नमस्कार मित्रों, आज हम मुलाकात करने वाले हैं सारंगपुर की, जहां पर श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी सारंगपुर में प्रत्यक्ष विराजमान है। भव्य तीर्थ गुजरात में बोटाद जिले के बरवाड़ा तालुका में सारंगपुर नामक गांव में ये मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वामीनारायण संप्रदाय के सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी ने संवत 1905 में की थी। पवित्र यात्रा धाम में यात्रालु के लिए रहने और भोजन के लिए काफी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है, और साथ साथ मैं मंदिर के इतिहास और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वर्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी पर श्री कष्टभंजन देव सारंगपुर। इस मंदिर में मुख्य तीन गेट है, जहां से हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दो गेट हाईवे पर है, जहां पर पार्किंग की अच्छी सुविधाएं है, और एक गेट पीछे की ओर है। जो गेट देख रहे हैं वो पीछे वाला है। व्हीकल पार्क करके अब हम जाने वाले हैं मुख्य हनुमान जी मंदिर की ओर, जहां पर साक्षात दादा विराजमान है। आप जो मेरे पीछे देख सकते हो, ये यहां पर आप स्टे कर सकते हैं। मित्रों, ये पवित्र तीर्थ धाम गुजरात के भावनगर से 80 किलोमीटर, अहमदाबाद से 150 किलोमीटर और राजकोट से 135 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आप देख सकते हो कि यात्रालुओं के रहने के लिए बहुत बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर 4 बेड वाले 2 अतिथि भवन है। पहला है श्री स्वामीनारायण अतिथि भवन और दूसरा है श्री कष्टभंजन अतिथि भवन। हम अभी श्री स्वामीनारायण अतिथि भवन में है। यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों टाइप्स के रूम्स अवेलेबल है। आपको एसी रूम्स 1200 रुपये में और नॉन एसी रूम्स 600 में मिल जाएंगे। सारंगपुर धाम में शनिवार और मंगलवार को काफी भीड़ रहती है। आज मंदिर में दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन है, खास करके दादा के धाम में शनिवार और मंगलवार को काफी भीड़ रहती है। जब भी कोई यात्रालु सारंगपुर के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेशते हैं और दादा की भव्य प्रतिमा का दर्शन करते हैं, तब
दादा सभी कष्टों का निवारण करते हैं और यात्रालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर मुख्य मंदिर के सामने एक हनुमान जी की प्रतिमा है। ये कोई ऐसी वैसी प्रतिमा नहीं है मित्रों। हनुमान जी की प्रतिमा के मुख में श्रीफल अर्पण करते ही श्रीफल का एक भाग प्रतिमा में रहता है और दूसरा भाग प्रतिमा के हाथ से निकलता है, जो यात्रालु प्रसाद के तौर पर घर ले जाते हैं। अब हम मुलाकात करते हैं श्री हरि मंदिर की। ये मंदिर मुख्य मंदिर की दाहिनी साइड पर स्थित है। ये मंदिर अपनी भव्य कोतरणी और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सारंगपुर मंदिर के इतिहास की बात करते हैं तो सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी बोटाद में आए थे, तब उनको यहाँ पड़े हुए दुष्काल के बारे में पता चला। ये बात उनको वाघा खाचर द्वारा पता चली थी। तब स्वामी जी ने सर्व कष्टों का भंजन करने वाले हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा का बीड़ा उठाया और त्यार बाद स्वामी श्री ने स्वयं हनुमान जी की मूर्ति का चित्र तैयार किया और जाने माने शिल्प कलाकार कांजीबाई मिस्त्री को मूर्ति बनाने का आदेश दिया। मूर्ति और मंदिर तैयार होने के बाद विक्रम संवत 1905 के आसोवद पांचम के दिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्री कष्टभंजन देव की प्रतिष्ठा हुई। और प्रतिष्ठा समय स्वामी श्री ने हनुमान जी महाराज का आह्वान किया तो साक्षात हनुमान जी का जब मूर्ति में प्रवेश हुआ तब मूर्ति कांपने लगी। यहां पर मंदिर के सामने बढ़िया सा धार्मिक स्टोर है, जहां पर से कम दाम में रुद्राक्ष माला, फोटो फ्रेम, 3D फोटोस आदि उपलब्ध है। अब हम यहां के अन्न क्षेत्र की मुलाकात लेते हैं। सारंगपुर मंदिर में दूर से आए भक्तजनों के लिए 100 साल से निशुल्क अन्न क्षेत्र है,
जो 24 आवर्स चालू रहता है। This is the virtual spiritual tour of Sarangpur. Explore through my lens. Friends, let's keep our temples clean and plastic free. And myself, Shivam Modi.